तो आज हम सीखेंगे कि कैसे आप प्री इंस्टॉल एप्स को विंडोज 11 से डिलीट कर सकते हैं। जो जो अननेसेसरी एप्स हैं जो आपको नहीं चाहिए लेकिन विंडोज में पहले से ही इंस्टॉल्ड है, तो उसे आप कैसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं कि मेरे में अभी कोई भी अननेसेसरी जो मुझे नहीं चाहिए वो एक भी ऐप नहीं है, मैंने सबको अनइंस्टॉल कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑडोसिटी कैमरा, यहाँ पे ना तो कैलकुलेटर है, ना ही कॉर्टाना है, ना ही और भी अननेसेसरी जैसे कि योर फोन, कीप नोट, ये सब जो मुझे नहीं चाहिए था उसमें से कोई भी एप्लीकेशन आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैंने सबको अनइंस्टॉल कर दिया है। तो इससे क्या होगा, आपका सिस्टम बहुत फास्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि इसे कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने विंडोज सर्च बॉक्स में जाना है, विंडोज सर्च बॉक्स में जाना है और वहां आपको टाइप करना है पावर सेल। पावर सेल रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे आपको क्लिक करना है और जब पावर सेल खुल जाए तो आपको कुछ ऐसा जब दिखाने लगे, कुछ लिखा हुआ आ जाए, पीसी, पीएससी, विंडोज, ऐसा कुछ लिखा आ जाए तो आपको क्या करना है, कमांड्स को रन करना है। लेकिन अब डिपेंड करता है कि आपको कौन से ऐप को अनइंस्टॉल करना है और उस ऐप के लिए क्या कमांड है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है और आप डायरेक्टली इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से सब जो जो ऐप है उनका नाम और उनका जो कमांड है वो को वहाँ पे लिख के रखा है। तो आपको जो भी ऐप इंस्टॉल करना है तो उस ऐप का नाम यहाँ पे आपको ढूंढना है और उसके नीचे जो कोड दिया होगा उसे आप कॉपी करना है। यहाँ से आपको बहुत सारे एप्स के नाम मिल जाएंगे जो जो आपको नहीं चाहिए, ठीक है, उसको आप यहाँ से बस कमांड कॉपी करना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से ये कमांड कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके आपको क्या करना है, जो पावर सेल खोला था आपको वहां पे जाना है और वहां पे सिंपली इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको एंटर हिट करना है। मैंने तो ऑलरेडी रिमूव कर दिया है तो मेरा डायरेक्टली दिखाएगा टास्क कंप्लीटेड, तो यहाँ पे रनिंग दिखा रहा है और ये कंप्लीट हो गया, हालांकि मेरे पास ये ऐप है ही नहीं तो। और यहाँ पे अगर जैसे ही कंप्लीट होता है वहाँ पे कंप्लीटेड दिखाएगा और वो ऐप आपके सिस्टम से जा चुका होगा। तो इस तरह से आप अपने कोई भी ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हैं।